मॉर्निंग चिल्ड्रेन, दिस इज सुजाता। वेलकम यू बैक टू आवर ईवीएस सब्जेक्ट। नाउ इट इज द टाइम टू गो लेसन नंबर टू, डिजास्टर। द टॉपिक इज डिजास्टर। सो चिल्ड्रेन, इन लास्ट वीडियो आई हैव ऑलरेडी टॉट यू व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिजास्टर, व्हाट इज कॉल्ड डिजास्टर। डिजास्टर एक ऐसी तबाही है। Disaster is an event which causes a lot of harm and damage in a life. Okay, so I gave so many examples also. Yes or no? About Corona, COVID-19. This is an epidemic disaster. Yes or no? So like that, so many innovative also, gas leakage. So I gave so many examples. Okay, so I hope you better understand about the disaster. What is disaster? Okay, so children, let's go. Now the types of disaster. What are the two types of disaster? There are two types of disaster. One is natural disaster and second is man-made disaster. One is natural and second is man-made disaster. Okay, so first of all, we have to read the what are natural disaster. What are natural disaster? So children, natural disaster are great misfortune. Natural disaster are great misfortune which caused due to some sudden changes of weather or sudden changes of season. Means automatically it's sudden changes of the nature only. Disaster are the mishappening. Okay, disaster are the accident. So these are the misfortune. Means natural disaster are the misfortune which are caused due to some sudden changes in nature. Nature में suddenly कुछ changes हो जाएगा तो ये एक disaster है, ये एक तबाही है। जैसे भूकंप आना, ओवर हैवी रेन के कारण बाढ़ आना, है ना, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारा जीवन नष्ट हो जाते हैं। इट अक्यूज सडनली, ओके, इट हैपेंस सडनली, सो इट इज अ मिस हैपनिंग। ओके चिल्ड्रन, सो नॉर्मल लाइफ ऑल्सो बेडली अफेक्टेड एट सच टाइम्स। उस टाइम नॉर्मल लाइफ बहुत ही अफेक्ट होता है नॉर्मल लाइफ में वो। एंड मोर वन थिंग चिल्ड्रन, man has no control over natural disaster. Okay, man अपने आप को control कर ही नहीं पाता है उससे निकालने के लिए, ठीक है। So let us study them in detail. What are the natural disaster? See, first flood. First is flood. Second is epidemic. Third is drought. Fourth is global warming. Fifth is earthquake. And sixth is famine. Now let's, I will tell you what are the particular disasters. Flood. Let's go to our book also, children. See the book properly. See, floods. Floods are caused due to heavy rain. Floods कैसे आता है बच्चे? जब बहुत ही rain आता है तब floods आता है। Yes or no? So it causing a great flow of water in rivers and on land. Okay, on land only it flows of means a great flow of water in rivers on land. Okay, these are called flood. This is only flood. So children, What is flood? Flood are caused due to heavy rain, causing a great flow of water in rivers and on land. Okay, जब बहुत ही पानी गिरता है तो नदी भर जाता है, रिवर्स सब भरपूर हो जाते हैं और वो कहाँ आ जाता है, लैंड के ऊपर पानी आ जाता है, दैट ओनली फ्लॉड। ओके, सो लेट्स गो, व्हाट आर द कॉजेस? ओके, फ्लोड्स अक्यूर इन लो लाइंग एरियाज नियर और अराउंड स्ट्रीम्स, रिवर्स एंड सीज।
ये कहाँ होता है बच्चे? जहाँ नदी रहता है, जहाँ ओशन रहता है, जहाँ सीस रहता है, ओके, जहाँ स्ट्रीम्स रहता है। तो ये जहाँ वाटरफॉल्स भी रहता है, तो वहाँ क्या होता है, उस जगह में ज़्यादातर फ्लोड्स आते हैं, ठीक है। एंड व्हाई दिस इज ड्यू टू हैवी रेनफॉल, वो सिर्फ बारिश, ज़्यादा बारिश के कारण ही होता है। ओके, नाउ लेट्स गो चिल्ड्रन, इट कैन अक्यूर ड्यू टू अ लार्ज अमाउंट ऑफ स्नो विच मेल्ट्स ऑन द माउंटेन एक्चुअली एंड कॉजेज द रिवर टू ओवरफ्लो। फ्लड्स अक्यूर इन लो लाइंग एरियाज, फ्लड्स अक्यूर इन लो लाइंग एरियाज नियर और अराउंड द स्ट्रीम्स, रिवर और सी। ओके, जहाँ सी रहता है, रिवर रहता है और स्ट्रीम्स रहता है, वाटरफॉल रहता है, उस एरिया में बाढ़ ज़्यादातर आता है। ओके, बिकॉज ऑफ रेनफॉल, ड्यू टू द रेनफॉल इट कैन अक्यूर ड्यू टू अ लार्ज अमाउंट ऑफ स्नो विच मेल्ट्स ऑन द माउंटेन, ठीक है। वो क्या होता है ना बच्चे, जैसे हम कपड़ा सुखाते हैं बाहर, हाँ, टू बिकम ड्राई, ये सुनो, फ्रॉम द वेट क्लॉथ वी गेट द ड्राई क्लॉथ आफ्टर सम टाइम इन हॉट सीजन। ओके, रिवर्स वाटर एंड द वाटर ऑफ द वाटरफॉल, वाटर ऑफ द स्ट्रीम्स, वाटर ऑफ द सी। ओके, एंड मेनली वी हैव सीन दैट इन पॉन्ड्स, स्मॉल लेक पॉन्ड, ओके, देर वॉज नो वाटर, देर विल बी नो वाटर इन हॉट सीजन। वाई चिल्ड्रेन? बिकॉज ऑफ सो मच हॉट, ये सब ना, बिकॉज ऑफ सो मच हॉट, बहुत गर्मी के वजह से हमारा जो रिवर्स का, पॉन्ड्स का पानी है वो सूख जाता है। बट वो सूख के कहाँ जाता है? यस, वो सूख के ऊपर जाता है और बादल बन जाता है। वो जो माउंटेन में जो स्नो, बर्फ छाए रहते हैं, वो सब क्या होता है, सन के रेस के कारण वो मेल्ट हो जाते हैं, मेल्ट होके वो क्या होता है, बह जाते हैं और रिवर्स में मिल जाते हैं। इन द रेनी सीजन इट इज़ मेल्टिंग एंड इट इज़ कमिंग टू आवर अर्थ, इट इज़ फॉलिंग डाउन द अर्थ। ओके, सो इट इज़ ओनली रेन। सो व्हेन ड्यू टू द हैवी रेनफॉल इट अक्यूज, व्हाट अक्यूज? फ्लोट्स अक्यूज नियर द रिवर, सी एंड लेक और स्ट्रीम। सो चिल्ड्रेन, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ द फ्लोट्स फॉर आवर लाइफ, इन आवर लाइफ? ओके, सो आई टोल्ड ऑलरेडी दैट फ्लोट्स कॉजेस अ ग्रेट डैमेज टू प्रॉपर्टी, आवर लाइफ एंड आवर क्रॉप्स ऑल्सो। अ नंबर ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स आर ड्रोन इन फ्लोड वाटर एंड समटाइम्स ना सिटीज एंड विलेजेस ऑल्सो ड्रोन एंड कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। पानी में पूरा हमारा रोड जो है वो खराब हो जाता है, गड्ढा हो जाता है, ये सुनो। सो दीज आर द इफेक्ट्स, ओके, एंड बिकॉज ऑफ डिकाइंग एंड डिकम्पोजिंग ऑफ द ड्रोन, एनिमल एंड ह्यूमन बॉडीज मेनी डिजीजेस, दे आर सफरिंग इन मेनी डिजीजेस लाइक कोलेरा, डायरिया, प्लेग एट्सेट्रा, ओके, मलेरिया, टाइफॉइड, ओके, इट ऑल्सो बिकम्स फॉर द डर्टी वाटर ओनली, ये सब ना। एंड दे वेन मीन्स दे कांट गेट टू ड्रिंक अ प्योर वाटर ऑल्सो दैट टाइम। वाट आर द मेजर्स टू कंट्रोल द फ्लोड? सम मेजर्स आर देयर टू कंट्रोल द फ्लोड। तो ये जो बाढ़ आ रहा है, बहुत सारा एनिमल्स बह के चले जा रहे हैं, है ना, बहुत सारा प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी भी वेस्ट हो रहा है, और उसके बाद हमारा जो क्रॉप्स है, फार्मर्स जो खेत में क्रॉप्स लगाए हुए रहते हैं, वो भी पूरा पानी में भरपूर होकर सड़ जाता है, है ना, बहुत सारा वेस्ट होता है। वाई चिल्ड्रेन? बट एनिमल्स एंड ह्यूमन बॉडीज ऑल्सो ना दे आर डिकम्पोजिंग ऑफ द ड्रोन, ये सब ना, बिकॉज वाई एंड वाई? बिकॉज ऑफ फ्लोट्स ओनली। सो सम थिंग इज देयर, सम मीन्स वाट आर द मेजर्स एंड वाट आर द सोल्यूशन टू कंट्रोल द फ्लोट? वाट आर द सोल्यूशन टू कंट्रोल द फ्लोट? तो ये जो हैवी रेनफॉल की वजह से जो पानी आता है और बाढ़ आता है, तो उसको हम कंट्रोल कैसे करें? हम पढ़ने अभी जा रहे हैं। सो मेजर स्टेप्स टू बी फॉलोड बाय द इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी हैव्स दैट
People living in affected areas should vacate their places to control flood. क्या होता है चिल्ड्रेन? फ्लोड को कंट्रोल करने के लिए, जब फ्लोड आता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए जो एरिया में पीपल रहते हैं घर बना के, छोटा छोटा घर बना के, कुड़िया बना के रहते हैं बहुत सारे पीपल, तो जब फ्लोड आता है बहुत ज़ोर से तो वो क्या करता है, एनिमल्स के साथ साथ पूरे घर को, प्रॉपर्टी को भी वो बहा के ले जाता है, तो वो लॉस होता है, क्रॉप्स प्रॉपर्टी, इट मे डैमेज टू अवर क्रॉप्स एंड प्रॉपर्टी ऑल्सो. सो वाट वी हैव टू डू दैट, people living in affected areas, those areas the people are living, near the pond, near the rivers, the bank of river, what we should do, that they should vacate their place to control flood. वो लोग उस जगह को खाली करके चले जाना चाहिए. चल रहे हैं. जब heavy rainfall होता है तो बाढ़ आने का जब संभावना रहती है तो वो लोग क्या करना चाहिए, पूरा वो जगह को खाली करके चले जाना चाहिए. एंड मोर ट्रीज शुड बी प्लांटेड. क्यों? इट कंट्रोल द रेन. जब मोर एंड मोर ट्रीज शुड बी प्लांटेड, मतलब हमको ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए, वृक्षारोपण करना चाहिए. प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज बिकॉज इट मे कॉजेस रेनफॉल. हम पढ़ते हैं इसे, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने से बारिश होती है. लेकिन चिल्ड्रेन एक बारिश को कंट्रोल भी करता है. जो बिन मौसम का बारिश बोलते हैं ना, कभी भी बारिश आ जाता है, बहुत बुरे तरीके से बारिश होता है, फ्लोड आ जाता है, ये सब को क्या है, एक कंट्रोल करके, एक लिमिट में कंट्रोल करके रखता है. हाई एम्बकमेंट्स शुड बी कंस्ट्रक्टेड नियर द रिवर. मीन्स चिल्ड्रेन, बहुत बड़ा बड़ा बांध बनाना चाहिए, ब्रिज बनाना चाहिए, जहाँ हम जो रिवर के एरिया में, जहाँ रिवर है और पानी आने का संभावना है, तो वहाँ कंस्ट्रक्शन का वर्क करना चाहिए, बड़ा बड़ा ब्रिज और बांध बनाना चाहिए पानी को रोकने के लिए, जो इफेक्टेड एरिया में जाके वो डैमेज ना करे. सो चिल्ड्रेन, नाउ यू अंडरस्टूड अबाउट द फ्लड. फ्लड इज अ नेचुरल डिजास्टर which cause a lot of harm and damage to the lives also, the property also, and the crops also. And it becomes naturally where the rivers and streams and the ponds are there. And children, what are the effects? Yes, the effects of floods causes a great damage to property, crop and lives also. And so human beings and this is a type of decomposing of the drowned animals and human bodies also. है ना, इंसान को भी बहा के ले जाता है वो, और हमारा एनिमल्स को भी बहा के ले जाता है, बड़ा बड़ा पेड़ को भी उखाड़ लेता है, है ना. तो मेनी डिजीजेस लाइक कोलेरा, डायरिया, प्लेग also, एटसेट्रा also, people are suffering in this time. Because they are not getting the pure water to drink, for uses. So children, this spoils the crops and vegetation and leads to famine also. So children, these are the effects of flood. But what are the measures of flood means? We have to control, we have to plant. First thing, we have to plant more and more plant trees. But high embankments should be constructed near the rivers. Rivers के पास हमको बहुत ही अच्छे तरीके से बांध बना के, है ना, ब्रिज वगैरह बना के पानी को रोकना चाहिए. मेन थिंग इज, पीपल लिविंग अ एफेक्टेड एरिया शुड बी वेकेट एट दैट टाइम वेयर द फ्लोड्स बिकम्स. सो द प्लेसेस ऑफ कंट्रोल द फ्लोड, द फ्लोड को कंट्रोल करने के लिए हमको वो प्लेस को खाली कर देना चाहिए पहले से, जैसे कि हमारे सरकार ऑलरेडी करते हैं कि बहुत हैवी रेनफॉल हो रहा है तो उस एरिया के लोगों को वो प्लेस को खाली करा देते हैं, दूसरी जगह शिफ्ट कर देते हैं. सो दीज आर द मेजर्स ऑफ कंट्रोल द फ्लोड्स. नाउ दिस इज द टाइम फॉर योर होमवर्क. सो चिल्ड्रन, योर होमवर्क इज लिस्ट नेचुरल डिजास्टर्स. लिस्ट द नेचुरल डिजास्टर. लिस्ट द नेचुरल डिजास्टर्स. दिस इज योर होमवर्क.